आवाज आ रही है इस तरह से, अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं। हाय, हुआ क्या है? रौनक के पापा ने कॉल किया कि दोनों तैयार होके आ जाओ, क्योंकि उन्होंने कपड़े रौनक के भी लाने और अपने भी लाने हैं। आ जाओ, क्योंकि 4:30 हो चुके हैं तो शाम हो जाएगी। बिस्तर वगैरह मैंने अच्छे से लगा के रखा है ताकि वापस आना है हमने, आते ही हम सीधे बेड पे घुस जाएं, और खाना भी बना हुआ है। फ्रेंड्स, जो कपड़े हैं वो यहाँ सूखते रहेंगे, बारिश वैसे हुई हल्की हल्की, लेकिन मौसम तो खैर खराब ही है, पर फिर भी क्या करेंगे, निकल जाएंगे। कपड़े लाना जरूरी है क्योंकि बारिश बर्फ का अभी भी 2-3 महीने तक भरोसा बहुत नहीं है। हाँ ज्यादा चांसेस है। हाँ तो मैं क्या करूँगी, खाना अपने साथ डाल के रखूंगी ताकि रौनक के पापा गाड़ी में खाना खा सके। सुबह से उन्होंने खाना नहीं खाया होगा और मैं ड्राइव करूंगी, वो खाना खाते रहेंगे। तो चलिए, इसको भी अपने साथ ही लेके जाएंगे क्योंकि इसको अकेले यहाँ नहीं रख सकते हैं। मजे से चलता रहेगा हमारे साथ ही। खाना पैक करती हूँ। अच्छे से गाड़ी का काम हो गया, वो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से हो गया गाड़ी काम। और मेरे को सुबह से ना क्या बोलते खड़े खड़े ना भूख लगी थी मेरे को। और देखो मैडम जी ने यहाँ पे मेरे लिए टिफिन भी लाया है। टिफिन लाया है, पता है आपको, मेरी बैंड बज गई है आज सुबह से। तुझे बोला था ना, मना किया था मैंने कि वो रहने दी, वो हल्का हल्का कर रही हो, क्या झूठ थी। हल्का ही किया हुआ है बस, मतलब कपड़े वगैरह सारे धो लिए हैं। और ठंड मैंने हो जाता कपड़े, फिर कमर वगैरह डर हो जाती है। बस अब खाना खाओ, आप फिर खुद ड्राइव करो, मैं रेस्ट करूंगी। चलो ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, भूख लगी। ठीक है, क्योंकि हम रुक नहीं सकते हैं, 4:30 लेट हो जाएगा, ज्यादा हो गया है टाइम। फिर हमने 10 बजे से पहले वापस पहुंचना है क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी है इधर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं खाने के मजे लेता हूँ रौनक के साथ। ठीक है, साथ है, हमने ऐसे ऐसे इसलिए डाला क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे आके ना अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे कपड़ों का क्या हाल हुआ, अंधेरा बिल्कुल और बारिश शुरू। झाकड़ी पहुँचते पहुँचते तो पूछो ही मत, बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो गई थी। हाँ भगवान, यहाँ पे काम चला है ना, अब हम यहाँ पे सारी यहाँ पे अगर ज्यादा देर तक, मतलब कि 6 बजे, अभी हमने 10 बजे वापस पहुँचना है, 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू है। बस मुझे झाकड़ी में नहीं रहना है रात को, मुझे वापस अपने घर आना है। चलो निकल गए हैं क्योंकि यहाँ पे 1-1 घंटे का जाम लग जाता है। तो क्या ये जगह सतलू जाइए, फिर कमेंट पूछते हो कि आप कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो। मैं प्रॉपर रोज रोज बताना भूल जाती हूँ क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, बस ब्लॉगर हूँ, डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ, शेयर करती हूँ अपनी लाइफ। चलिए जब जब याद आती है तब तब बता दिया करूंगी। मैं शिमला से हूँ और सुनीला नाम है। पूरे रास्ते में और रस्टी आराम से सो के रहे। रस्टी का थोड़ा डाउट था कि ये उल्टियां ना मार दे, पर ये भी हमारी तरह ही नफीका है। कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे हम, हाँ रस्टी कहाँ पहुंचे। मैं तो आराम से बैठी रहूंगी, रौनक के पापा को ही अपने कपड़े कलेक्ट करने हैं, उनको ही अपने कपड़े ले जाने हैं। और एक ये मजे से खेल रहा है अब इसको काफी, मतलब की ठीक लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कपड़े इकट्ठे करते हैं क्योंकि हमने जल्दी से वापस भी घर जाना है। और नींद आ रही है पूरी गाड़ी में, तो सो सो के नींद ही, हमको डर था कि कहीं इसको उल्टिया, क्योंकि वॉमिट कर सकता है वो, पर उसने कुछ नहीं किया। अब वापसी में देखी जाएगी क्या करेगा, क्यों रौनक देखी जाएगी कुछ। हाँ, इसके पापा बोल रहे हैं कि अगर हम यहीं रहते हैं तो सुबह हमें 6 बजे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि सुबह इनको भी अपने जाना है और रौनक की भी क्लासेस कल तो नहीं है। हाँ चलो, हाँ A few moments later. रहम करो रहम। हमने तो आते ही खाने पे अटैक कर दिया है। 10:30 बजे पहुंचे, मतलब कि जितने में हमने आग वगैरह चलाई, मैंने खाना गर्म किया और खाने में घेरा मार दिया, और मैंने फ्रूट्स धोए, मैं फ्रूट्स खाना नहीं खा रहा, नहीं मेरा मन नहीं है ऐसा। मैं गाड़ी में खाना खा लिया, टिफिन लाया था इसने, पर वो थोड़ा बहुत था। दाल भात खाने का भी आनंद ही कुछ और होता है, वो चपाती फुलके थे और पाव गरम। आपको विश्वास नहीं होगा, आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा थकावट वाला था। एक तो ऊपर जाने के लिए फिर और टाइम नहीं था ना। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि गाड़ी का काम हो गया है बहुत दिनों के बाद। सारे
सुबह सुबह लहसुन वाले आ गए हैं। कमेंट भी आते हैं आप लोगों के कि लहसुन कैसे, सॉरी सब्जी कैसे लेते हैं आप लोग। सब्जी हम ऐसे ही लेते हैं, जोर जोर से चीखते हैं रोड से कि लहसुन ले लो, लहसुन ले लो। 100 रुपए की 1.5 किलो लहसुन है। तो मैं भी चल पड़ी, सुबह काम कर रही थी, अभी व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था, सोचा लहसुन लेके आ जाती हूँ, क्योंकि हम लोगों के लहसुन बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, हमारी अपनी नहीं होती है। और मौसम की बात करें तो मौसम है ऐसा, हल्की हल्की धूप लगी है, कल भी ऐसा ही था, धूप लगती है जाती है। पर अभी तो मुझे लहसुन लेनी है जल्दी जल्दी से। जिन दादू ने मेरी गाड़ी में धक्का लगाया था ना, वो भी दादू लहसुन लेके आ गए हैं। कैसी लहसुन है दादू? क्या नहीं लहसुन है, लहसुन कैसी है? ये अच्छी है ना? ठीक है, बाय। लहसुन ले दो, 100 रुपए देसी लहसुन, मोटा लहसुन 1.5 किलो, 100 रुपए का 1.5 किलो, बढ़िया लहसुन, देसी लहसुन। चावल डाले मैंने, लो जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। ये आए थे हमारे घर ब्राह्मण, सुबह सुबह बोरे की भंडारा देना है, कहीं घर आ गए तो देना तो पड़ेगा। किसी ने तेल दिया है, मैंने भी चावल दे दिए, मेरे पास तेल तो उतना ही है जितना भी ओपन हुआ है। और सुबह सुबह ये देखो जी तैयार हो गई रियांशी और मेरी ननद, इनको सुबह में ही, मतलब कि हमारे रिवाज होता है जब जाई भांजू आते हैं, पकैन लगाते हैं, सबाने जाते हैं, पीछे से प्रॉब्लम क्या हुई इसके, मतलब कि हमारी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई। मेरे सास है यहाँ पे हमारे, मतलब कि घर के ही है बिरादरी की, उनकी डेथ हो गई है। और होता क्या है फिर हमारे शोक पड़ जाते हैं, अब तो खाने की भी प्रॉब्लम है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, सोच ही रहे हैं, हमारे तेल नहीं खाते हैं। और रीति रिवाज होते हैं, बोलते हैं कि गोत्र के लिए जैसा रिवाज बने भाई हमें तो फॉलो करने होते हैं। तो सुबह से बस हमने, सुबह तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, जितने में पता चला काफ़ी बुजुर्ग जैसे थे, बीमार भी थे, तो चलो उनके लिए तो आगे के लिए दरवाज़ा अच्छा खुला। पर हमारे लिए यही है कि अब इन लोगों का, क्योंकि इनकी बर्फ पड़ रही है ऊपर, तो इनका जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। देख रहे हैं वो आ पाती है गाड़ी या जा पाती है। बाकी फ्रेंड्स बताऊँ आपको, की करके रखा है बीच बीच में ना, हल्की हल्की सी बारिश भी आ रही है और कपड़े धूप में भी ऐसे हल्की हल्की सी सूख रहे हैं, गीले हो रहे हैं। और फिर इनकी साइड तो ज्यादा ही बर्फ पड़ रही है। चल पड़ी है गुड़िया, बाय बेटे, बाय रियांशी। डॉगी से डर गई। नहीं नहीं खुल गया होगा, स्नोफॉल तो हो रही है, बोलते है रोड खुल गए हैं, गाड़ी भी आ गई है, ना ही हम जाएंगे, ना ही मतलब की पकवान वगैरह कुछ नहीं लगे, कुछ भी नहीं, मतलब कि सिंपल ऐसे ही जाएगी। अब दूसरी बार जा रही है इस तरह से, अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा, है ना रस्ती। चलो अब रस्ती भी घूमेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर है ना, बाय मंजू, बाय। फ्रेंड्स हमारे शोक पड़ने के कारण हमको ये खाने पड़ रहे हैं परौठे, मतलब कि हम तड़का नहीं खाते हैं, सिंपल सी बात है। वैसे मुझे पता है कई जगह नमक भी नहीं खाते हमारी, ये नहीं खाते हैं तड़का, लहसुन प्याज तड़का नहीं खा सकते आज, नहीं। और मौसम इतना खराब है ना, दिखा तो रहा ना खिड़की से बाहर, बहुत ही ज्यादा खराब है। कल थोड़ी धूप लग गई थी बट आज तो वैसे ही हो गया हाल जैसे पहले थे, है ना मम्मा? हाँ बेटा, आप बताइएगा आपके जो वैसा होता है बिरादरी में, आप लोगों के कैसे रिवाज रहता है, है ना, है ना पापा? सभी कैसे होता है, अलग अलग होता है, ऊपर हिमाचल में अलग है, शिमला में अलग है, जैसे हाँ। सभी होगा, आपका कमेंट में हमें बताइए। हाँ, आपके रीजन में क्या करते हैं, हमारे कपड़े भी सूख रहे इस वजह से, मेरे मौसम का बड़ा गंदा मौसम हुआ है, मतलब कि जो दरियां वगैरह सारे मोटे, हमारे कपड़े वगैरह सारे ओ सूख ही नहीं रहे, और अब ये नहीं है साफ हो जाए, बड़ी रहता है, मतलब ये रह रहे के बारे में, और देखो बारिश हो जाती है, थोड़ी देर धूप लगती है, फिर बारिश हो जाती है, मतलब कपड़ों को सूखने का टाइम ही नहीं मिलता, जब तक वो सूख रहे होते हैं तब तक बारिश हो जाती है, फिर वो फिर भीग जाते हैं। रात के 9 बजे अब हम चल पड़े और रात के सौदागर। क्यों? हाँ। दिन को टाइम नहीं होता और यहाँ से आगे अंधेरा है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज चाचा जी की बेटी ननद एक ऑपरेशन करके आए हैं यहाँ पे, मतलब कि काफी टाइम हो गया, तो थोड़ा सा मिलने जा रहे हैं। मैं तो कल भी जा सकती हूँ लेकिन रौनक के पापा को टाइम नहीं होगा ना, रौनक जी डर लग रहा है, नहीं एक पीछे से डंडा डाल के रखा है। ये चीज सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है, ब्राग के लिए। ये जमीन पर की लाइटें हैं, आसमान में तो स्टार नहीं है, बिल्कुल बादल है। चलो बैठते हैं, गरीब
यहाँ क्या घर। A few moments later, आ गए हम वापस। और अब तो मुझे अपने बेबी डाउट होने लग गया है, क्योंकि यहाँ जाना हमने कि उसको छेड़ना ही नहीं, ले आते उसको बाहर। आ जा ननद, क्योंकि मेरी जो ननद है ना, उसको मैंने पूछा कि पत्री की दर्द कैसी होती, क्योंकि मुझे भी सेम वैसी ही दर्द होती है। उसने भी बताया कि पत्थरी की दर्द लाइक गैस्ट्रिक की दर्द होती है। तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि मेरी गैस्ट्रिक की दर्द होती है ना, करना पड़ेगा ना मेरे को ट्रीटमेंट अपना। तो क्या बिल्कुल हाँ, काम क्यों नहीं कर रहे हो यार? मैं तो उस टाइम बोल दी, जाकर बोल दिया था उस टाइम मैं, चलो अल्ट्रासाउंड लेते गया अपनी गलतफहमी दूर कर लेते हैं, अगर है भी तो ऑपरेशन हो जाएगा उसका। सच्ची मैम मुझे ना दर्द होती है, बाद में इन्फेक्शन हो गया तो कैसे मुश्किल होती है। और ना मुझे ना, मैं वीडियोस में नहीं बताती रहती हूँ, दी तो बोलती है तुझे नकली जैसी दर्द होती है। सच में रात रात को दर्द होती है, और सुबह के लिए गायब है ना रौनक, कई बार उठी हुई होती हूँ। अब तो मुझे एक ऐसा है ना, इसको अभी हम थोड़ा सा ये भी जैसा हाँ, इसके लिए कमेंट आया था कि इसको कपड़े पहनाना, इसको कपड़े पहनाने की आदत नहीं डालेंगी, क्योंकि भैया ठंड बहुत होती है, कपड़े हाँ, कर जाएगा ये। इसको अगर हम ऐसे नाजुक बनाएंगे, वैसे तो हम इसका ध्यान रखते हैं, मैं इसको गोदी में रखती हूँ, फिर बाद में जब सोता तब पेटी में, और इतना क्यूट है ना, समझदार जैसा, पर तो मैं क्यूट नहीं, कपड़े नहीं, क्योंकि ये ब्रीड ऐसी है ना, ये कपड़े नहीं, मतलब ये स्नो में भी सर्वाइव कर जाते हैं। इसको तो फिर भी अब कांपेगा तो कांपेगा, अभी तो बेचारे को खून की कमी भी है। हे देखो काचे खून की कमी है आपको, कहाँ गया माला डच की, एक घड़ी ले जाओ, जैसे बाहर भी ले जाते हैं ना, तो यही हम बाहर को ऊपर खेत नहीं ले जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का भी कर देते हैं अब यही एंड, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।